गाड़ी ड्राइवर? हाँ तो पागल, मैंने तुमसे कोई बेतो की चीज नहीं मांगी। पागल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अपना हक मांग रही हूँ मैं तुमसे। खुदा आपका वास्ता भी मत कह देना कि भाई असाइनमेंट के ऊपर जो है वो दूध गिर गया था। मैं दोबारा प्रिंट नहीं करवा सकता, मेरे पास फालतू टाइम थोड़ी है। मैं तुमसे कुछ ऐसा कह भी नहीं रही थी, तुम्हारा कीमती वक्त मुझे ज़ाया नहीं करना। बस मैं तुम्हें यही कह रही थी कि कहीं से ना मुझे एक छोटी मोटी सी गाड़ी ला दो और ड्राइवर का इंतजाम करें। गाड़ी ड्राइवर? हाँ तो पागल, मैंने तुमसे कोई बेतो की चीज़ नहीं मांगी। पागल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अपना हक मांग रही हूँ मैं तुमसे। घर में हमारी छोटी बच्ची है और अम्मा की भी तबीयत खराब रहती है, मैं अकेली होती हूँ घर में। आप कल जैसी इमरजेंसी वापस हो गई तो तुम तो ऑफिस में जाके ऐसे हो जाते हो जैसे एक दूसरी दुनिया में हो, ना ही कॉल्स का जवाब देते हो और ना ही मैसेजेस का। और बड़ी अम्मी भी तुम्हारे साथ उसके पीछे कौन रह गया? राहिला आंटी और अब्बा और पप्पू, इन तीनों पे ना मैं भरोसा नहीं कर सकती। तुम क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अजीब बात नहीं कर रही, मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। ओ भाई, मैं ये तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। अम्मा से बोल दो, वो करवा देंगी जो भी करवा। मैंने ना उनसे शादी नहीं की, तुमसे शादी की है तो मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। हंस क्यों रहे हो फाखर तुम? एक सीरियस बात कर रही हूँ मैं तुमसे। यार तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है, बता देना अपने टीचर को कि वो असाइनमेंट के ऊपर दूध गिर गया बच्ची का। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ फाखर, मेरी दिन रात की मेहनत लगी है इस पे और कल सबमिशन डेट है। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो मैं अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी, हमेशा अपनी किस्मत के बारे में ना बैठ के रोती ही रहूंगी। तुम यहाँ रोना बंद कर दो, खुदा का वास्ता है, उतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन मेरे लिए है भाई। चलो मुझे दे दो यार जो भी चीज़ें। शुक्र करो कि ये जो असाइनमेंट तुम्हारा है ना ये प्रिंटेड है। अगर जो तुम नोट्स तुमने बनाए ना उनके ऊपर दूध गिर जाता ना, अजाब हो जाता तुम्हारे लिए। मुझे दो वो, फिर मैं करवा के लेके आता हूँ आज रात में, कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे तू जल्दी कहेंगे हटो, ये वाली है सही है, बैग मेरा बाहर पड़ा हुआ है।